तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे श्रीकांत के किरदार में ढलने के लिए राजकुमार राव ने सहा था दर्द। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, राजकुमार बॉलीवुड के उन एक्टर में शुमार हैं जिनके अभिनय की तारीफ करते हुए फैंस नहीं थकते। राजकुमार राव अब नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत की भूमिका अदा करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं जिनके लुक्स से ज़्यादा फैंस उनकी एक्टिंग के कायल हैं। विक्की कौशल से लेकर आयुष्मान खुराना और पंकज त्रिपाठी जैसे ऐसे कई अभिनेता हैं जिनके अभिनय को देखकर दर्शक उनकी सराहना करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं जो अपने किरदार के गहरे में पूरी तरह से उतर जाते हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक बहु प्रतिभाशाली अभिनेता राजकुमार राव, जो जल्द ही नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत के किरदार में। भैया अंधे के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। अब हाल में ही राजकुमार राव ने बताया कि वह जब तक निर्देशक बैकअप नहीं करता था तब तक उन्हें ये भी नहीं पता लगता था कि कौन सेट पर आ रहा है और कौन जा रहा है। राजकुमार राव फिल्म में श्रीकांत बुल्ला का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और इसमें उन्हें साथ मिला पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। राजकुमार राव की इस फिल्म का ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है। दोस्तों, श्रीकांत के ट्रेलर के खास मौके पर राजकुमार राव ने बताया, कई बार मुझे पता भी नहीं चलता था इस सेट पर कौन आया और कौन गया। उन्होंने आगे बताया, एक बार फिल्म के निर्माता भूषण कुमार भी आए थे पर पता ही नहीं चला। नेत्रहीन की भूमिका निभाने के लिए मैं लेंस लगाकर तब तक रहता था जब तक पैकअप ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि निर्देशक ने कट बोला और मैं फिर से लेंस निकाल कर राजकुमार बन जाऊँ। मैं सेट पर श्रीकांत का रोल कर रहा था, इसलिए मैं श्रीकांत ही बन के रहता था। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करें। आने वाले अपडेट्स को पाने के लिए दोस्तों, आप बेल आइकन को दाब के हमारे आने वाले अपडेट्स भी पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।